दोस्तों, मेरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोगो और वाटरमार्क ऐड कैसे करते हैं। पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर में जाएंगे। आपने जहाँ पे पिक्चर सेव किए आप वहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप में पिक्चर सेव किए इसलिए मैं वहाँ से पिक्चर ले रहा हूँ। मैंने पिक्चर ले ली, देखिए ये टाइटल है। हम एक टाइटल डिलीट करेंगे। अब इस पिक्चर को पहले हम जाके कट करेंगे, फिर हम जाके पिक्चर को पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे और कलर लेंगे। इसमें हम रीकलर में जाएंगे और वैस आउट में जाएंगे। हमने रीकलर में गए और हमने वैस आउट ले लिया। अब हम पहले से कट करेंगे और व्यू में जाएंगे, मास्टर स्लाइड लेंगे। स्लाइड मास्टर आ गई है और हम यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे, पिक्चर में पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने इसे पेस्ट किया और इस फाइल को भी अब हम डिलीट कर लेंगे। मैंने आपके सामने इसे पेस्ट किया है। अब मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैक में जाऊंगा और सेंड टू बैक कर लूंगा, आप देख सकते हैं। और अब मैं क्लोज मास्टर व्यू करूंगा। अब डिजाइन में देख लीजिए, मेरा ये किसी से भी मिट नहीं रहे। यह है मेरा पहला स्टेप, आप इसे कैसे भी डिलीट कर नहीं कर सकते। ये है मेरा लोगो। अब मैं आपको बताऊंगा वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। पहले हम जाएंगे होम टैब में और इंसर्ट टैब में जाकर एक होम टैब में रहेंगे। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है तो हम टेक्स्ट बॉक्स में आपके जो चैनल है उसका नाम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो हम इंसर्ट में जाके एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए मैं उसमें मेरे चैनल का नाम राइट कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है हिंदी यूनियर्स एजुकेशन, हिंदी यूनियर्स एजुकेशन। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर लेंगे और इसकी साइज हम 32 और फॉन्ट में जाएंगे और उसे एरियल ब्लैक कर लेंगे और उसकी साइज छोटी कर लेंगे। ये इसका कंट्रोल बटन, हम इसे कैसे भी घुमा सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा बहुत टेढ़ा कर लिया है। अब हम इसे पहले सेलेक्ट करेंगे और कट कर लेंगे और ये है इसे हम डिलीट करेंगे। फिर से हम पिक्चर पेस्ट में इसे वापस ला सकते हैं। और अब हम जाएंगे फॉर्मेट में, कलर में जाके हम मैंने बताया है रीकलर में जाके हम जाएंगे वॉश आउट में हम चले गए। फिर हम राइट क्लिक करके और उसे कट करेंगे और फिर बाद में हम व्यू में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जाके उसे पिक्चर पेस्ट कर लेंगे और उस उधर टाइटल है उसे डिलीट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम राइट बटन में जाके सेंड टू बैक, राइट क्लिक पे जाके सेंड टू बैक एरो बटन खोलेंगे और सेंड टू बैक करेंगे। और अब क्लोज मास्टर व्यू करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इनमें कट नहीं रहा है, किसी में भी ये कट नहीं रहा। और मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, लिखने से भी ये नहीं हटेंगे। इंसर्ट में जाके हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। और अब हम टेक्स्ट बॉक्स में मैं होम में जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट में एरो बटन से ओपन करेंगे और फाइल लीड राउंड बुलेट लेंगे। ये देखिए हमने लीड राउंड बुलेट ले लिया है। अब हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंड। पहले आर बड़ा होना चाहिए, फिर कैप्स लॉक बंद करके एंड लिख देंगे और हमें स्पेस बार नहीं देना है। मैंने एंड लिख दिया है और फिर हम शिफ्ट दबाएंगे और ओपन एंड ऑफ कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। हमारा ये हुआ। अब मैं आपको बड़ा करके बता सकता हूँ, मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया और इनकी साइज 28 कर ली और इन्हें एरियल ब्लैक कर लिया। ये देख लिए, एरियल ब्लैक होने के बाद भी इनका कलर नहीं हटे। ये है मेरा आज का एपिसोड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करना, बेल आइटम से घंटे जरूर बजाना। धन्यवाद।